हेलो दोस्तों, वेलकम टू भीमा व्लॉग्स। आज सुबह से ही मौसम बहुत सुहाना सा है, आप देख सकते हैं खुला मौसम है। अभी कुछ देर पहले ही पानी गिर के ही बंद हुआ है, तो अभी मौसम खुल चुका है तो देख सकते हैं बादलों को। ये थोड़ा सा खुला है, कई जगह मौसम साफ है और कई जगह बदल है, तो पता नहीं शायद पानी गिरे कि ना गिरे। यहाँ पर काफ़ी गांव का वातावरण बहुत काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि ठंडी हवा और शहर में वातावरण इतना प्रदूषण हो चुका है, सो गांव का माहौल बहुत अच्छा लगता है। सो कल मैं आपको दिखा रहा था बाड़ी में कि हम घास इकट्ठा कर रहे थे, तो मैं तो ऑफिस चला गया था, उसके बाद मम्मी पापा ने यहाँ पर साफ़ सफाई करा, तो उसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना बाड़ी साफ़ हुआ है। अभी लगभग हमारा आधा बाड़ी साफ़ हो चुका है, फिर भी अभी घास है। आप वो देख सकते हैं टीला में, ये थोड़े थोड़े गुच्छे टाइप के रखे हुए घास, वो सब इकट्ठा करके रखे हुए हैं और उनको इकट्ठा करके एक साथ फेंकेंगे। और अभी भी घास बचे हैं तो उनको शायद आज क्लियर कर लेंगे। और घर में और भी कामकाज रहते हैं तो समय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा पता नहीं, क्योंकि उनको खेतों में भी काम रहता है घर में। और खेतों से याद आया, चलो आज हम खेत साइड जाके देख लेते हैं कि किस प्रकार का खेत है, उसमें धान कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, उनके बारे में चलो देख लेते हैं। और क्या क्या अच्छी चीज़ें देखते हैं उन सब के बारे में हम देखते हैं। खेतों के पास आ चुका हूँ जहाँ हमारा ये कुआं है और ये मोटर लगे हुए हैं, पाइप भी लगा हुआ है, तो अभी तो सिंचाई का काम नहीं हो रहा है। वैसे पानी काफ़ी है हमारे कुआं में, तो ये बरसात के बाद काम आता है। बाड़ी में सब्जी वब्जी लगा रहे हैं तो वहाँ पानी डालने के काम आएगा। देख सकते हैं काफ़ी पानी भरा हुआ है। और चलो अब खेत के पास चलते हैं। ओ, ये आ चुके हम खेत के पास। यहाँ काफ़ी धान, ये धान का खेत में पहुँच गए हैं जहाँ पर धान लगे हुए हैं और अभी धान निकलने भी लगे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये धान निकल रहा है अभी। ये यहाँ पर रोपा तो नहीं लगाए थे हम लोग ने, हमने यहाँ पर बुआई कर दिया था, तो पेड़ के साथ साथ घास भी है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं घास। ये तो इनकी निंदाई तो कराई थी, जिसमें इन लोग ने बड़े बड़े घास तो निकाल लिए थे, पर ये छोटे छोटे घास बच गए। और ये छोटे छोटे घास बचने के कारण पेड़ उतना अच्छे से जड़ नहीं फैला पाए और पेड़ अच्छे से बन नहीं पाए। कई जगह तो घास नहीं बढ़ने के कारण सड़ गए पानी में, तो पेड़ थोड़ा अच्छे बने हैं और अभी धान भी निकलने लगा है। तो इसमें हमने दवाई का भी छिड़काव नहीं करा है, क्योंकि सेहत में नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए हमने उसका यूज़ नहीं करा है। तो आप देख सकते हैं धान बिल्कुल हरा भरा है अभी। यहाँ पर खातू का छिड़काव तो करे थे, यूरिया डाले थे हमने। और ये एक पहला खेत हो गया, इसके बाद अब दूसरा खेत इसी के ऊपर है। ये यहाँ पर भी धान निकलने लगे हैं और पानी भी भरा ही हुआ है इसमें। ये पानी भरा हुआ है अभी इसमें। ये धान देख रहे हैं, इनके एक एक पेड़ कैसे बने हैं, ये नीचे से पूरा दिख रहा होगा ये सब धान। तो अब इनके क्या क्या दिक्कतें हैं, ये जैसे घास हैं तो पेड़ ढंग से बन नहीं पाते हैं, जम नहीं पाते हैं, खातों को ये सब खा लेते हैं। तो और कौन कौन सी चीज़ें अच्छे दिखते हैं वो सबको अब देख लेते हैं। ये खेतों में निंदाई किया गया था जिससे कितना सारा घास निकले हैं, ये सबको मेड़ में डाल दिए हैं। ये देख सकते हैं घास लगातार ही जगह जगह निंदाई करे थे, तो इतना सारा घास निकला है तो पूरे रास्ते भर में पड़ा है। इसे हम ऊपर इसलिए फेंक दिए हैं ताकि ये जो घास बढ़ रहे हैं ये मर जाएं,
इसमें से अच्छे घास के ऊपर नहीं फेंके हैं, क्योंकि वो गायों को चारा के रूप में देने काम आता है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पूरा हरा भरा है, ये पूरा धान ही धान लगे हुए हैं इनमें। अब सब जगह धान निकलने लगे हैं, लगभग 1-1.5 महीने बाद इनकी कटाई शुरू हो जाएगी। तो अभी तो ये निकल रहे हैं, कहीं में धान अभी आने वाले हैं। इस खेतों में धान काफ़ी नुकसान हुआ है, जगह जगह खाली छूटे पड़े हैं। यहाँ पर इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पर लेई बोए थे, मतलब धान को पानी भिंगा के थोड़ा अंकुरित होने के बाद इसमें बोए थे, जिसके कारण पानी दर पर भरने से बीज सड़ गए और कई कई जगह किनारे में जो धान छूटे हैं यहाँ पर केकड़ों दारन को खा लिया गया। तो काफ़ी नुकसान हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये फसल तो एक ही बार होता है साल भर में, तो काफ़ी नुकसान भी हो गए हैं। कई जगह धान अच्छे हैं और कई जगह धान बिल्कुल ही नहीं हैं, तो उतने जगह का नुकसान हो गया है यहाँ पर। खेतों में पानी तो पर्याप्त है, पर इधर मिट्टी ठीक नहीं होने के कारण धान भी उतना अच्छे से बन नहीं पाए हैं। लगभग पूरे खेत में पानी भरा ही हुआ है, क्योंकि पास में से नाला गया है जहाँ अभी भी पानी भरा ही हुआ है, पानी बह भी रहा है। आप उधर झरना के रूप में दे सकते हैं कितना पानी है। तो पानी की कमी तो नहीं है खेतों में, लेकिन पेड़ नहीं बन पाए हैं उतने अच्छे से, क्योंकि इनको सही मिट्टी चाहिए, सही खातू चाहिए और पानी भी सही चाहिए।